खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। तहसील सवाजपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील दिवस जनता दर्शन एवं शासन से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। तहसील समाधान दिवस में पट्टे आदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को तत्काल कब्जा मुक्त कराएं और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में होने के समस्त गतिविधियों की जानकारी लेखपाल, बीट सिपाही तथा चौकीदारों से लेते रहें। समाधान दिवस में कुल 111 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 14 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस अवसर पर राजस्व के 47, पुलिस के 18, विकास के 9, अन्य विभागों की 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण करने के निर्देश जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग अध्यक्षों को दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी तिवारी, उप जिला अधिकारी डॉक्टर स्वामी शुक्ला सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।